हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज के न्यूज़ में बताया गया है कि ग्रुप 56 था, उनके आपके एडमिट कार्ड इश्यू कर दिए गए हैं। दोनों ग्रुप में 27,044 कैंडिडेट रिपीट हो। एंड 5 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में होगी परीक्षा। हरियाणा रोडवेज की बसों की मुफ्त होगी यात्रा। बेसिकली अगर हम बात करें इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट, उन्होंने बताया था कि 4 टाइम्स, बट इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर 12 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया, बट उनके इन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। ठीक है, एंड क्या वहां पर इनके पॉलिसी का वायलेशन नहीं हो रहा? उसके बाद बताया गया है अगले ग्रुपों की परीक्षा 19-20 अगस्त को संभावित है। आपके जो भी ग्रुप हैं उनका क्लैश आपके एचपीएससी के एग्जाम्स के साथ ना हो रहा हो। जैसे एचपीएससी को एग्जाम है 19 और 20 को, उसी दिन में VLDA के एग्जाम हो सकते हैं, जेई सिविल वगैरह के हो सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। 6,223 कैंडिडेट ने अंक छोड़े ऐसा बताया। ठीक है, ग्रुप 56 की पहली सूची में 4,525 कैंडिडेट बाहर, 3,600 नए शामिल हुए। कुलजीत सिंह, देखो यार, इनका जो काम करने का ढंग है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, ये लोग अपनी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, ये है वो, खुद ये लोग केस करवा रहे हैं एग्जाम्स के ऊपर। एग्जाम डेफिनेटली आपका होगा एंड इसके ऊपर बहुत सारे आपके कोर्ट केसेज होंगे बिकॉज ऑफ पॉलिसी वायलेशन। कैंडिडेट का एग्जाम है, उनकी मेरी यही एडवाइस है कि एटलीस्ट आप ट्राई करना कि 50% का क्राइटेरिया आपके लिए बाधा ना बने। आप हरियाणा एडीयू का एग्जाम उठा के दे सकते हैं। इवन एचएसएससी की हम बात करें तो हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसमें हम बात करें तो 60-70% कैंडिडेट के 50 मार्क्स भी नहीं आए थे। ठीक है, तो ये ना सोचे कि पॉजिटिव मार्किंग है तो 50% ले सकते हैं। वो कैंडिडेट ले सकते हैं जिनको अच्छा नॉलेज है, बट पिछले 10 दिनों में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं पढ़ पाए हैं एचएसएससी की वजह से। इवन आज भी कैंडिडेट जिनका परसों एग्जाम है उनको पंचकूला जाना पड़ रहा है क्योंकि एडमिट कार्ड में इश्यू है या फिर एचएसएससी वाला सॉफ्टवेयर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो एचएसएससी की वजह से बहुत पढ़ने वाले कैंडिडेट भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग खुद भी जानते हैं बाकी इनकी क्या मेंटेलिटी है। दोनों इतने दिन में यार नई पॉलिसी बना के एग्जाम हो सकता था, सीईटी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का, इतने इन बिटवीन आपके आप देख सकते हैं। 2021 में ये लोग सीईटी लेके आए थे, उसके बाद से अभी तक कितने एग्जाम हो सके आप। कई लोगों को तो 2-3 साल सर्विस करते हो क्योंकि उन्होंने 2020 लास्ट में सीईटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, 2021 से फॉर्म फिल करवा रहे थे, पूरा 2022 निकाल दिया, अभी 23 निकाल दिया। देखते हैं क्या होगा, चुनाव के टाइम में तो ये लोग भी कर सकते हैं। बाकी अभी कैंडिडेट को मेंटली टॉर्चर किया जाना है, बाकी खास वो नहीं है। अगर 27,000 कैंडिडेट ही रिपीट हो रहे हैं फिर क्या सेंस बनता है। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना कर सकते थे, पहले आप ग्रुप 56 का एग्जाम ले सकते हैं, टेक्निकल का ले सकते हैं, दोनों को एक साथ करके आप उन कैंडिडेट को 2 चॉइस दे रहे हैं। एटलीस्ट इसी कैंडिडेट को 2 चॉइस मिलेंगे एंड उसकी जैसे एक कैंडिडेट की जॉब जा भी सकती है। ठीक है, कोई जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सीजीएल में होता है, भाई सीजीएल के तो पास भी नहीं है, उनका जो सॉफ्टवेयर है उनके जो क्राइटेरियाज है उसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। इन्होंने अच्छे से कट ऑफ भी नहीं बताई एंड ये लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल क्वालिफिकेशन कट ऑफ 80 गई है। लोग खुद दिमाग लगाओ यार, अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो जाहिर सी बात है उस कैंडिडेट ने सीईटी में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया होगा। ठीक है, उसकी कट ऑफ 80 जा रही है, जो डिग्री सभी लोगों के पास है, ग्रेजुएशन जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी कट ऑफ 65 जा रही है। इस तरह ये लोग जस्टिफिकेशन देंगे, कितनी बार देंगे, ज्यादा से ज्यादा केस है सीईटी के ऊपर। चलो देखते हैं जो भी होगा, बाकी जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम है एटलीस्ट आप ट्राई करें, आपको जो बेसिक है उसको अच्छे से करें एंड 50% को ध्यान में रखें एंड ऑप्शन जो ई आता है उसको भी प्लीज दिमाग में रखें, अदरवाइज डी की जगह कैंडिडेट जो है इसका ऑप्शन बनाते हैं तो बाद में रिग्रेट हो, तो प्लीज उसको भी ध्यान में रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।